अभिनंदन है। मैं आरती जसवाल और मैं मोनिका पुरेना। मैं कहूँ और आप सुनो वो अच्छी दोस्ती, आप कहो और मैं सुनूँ वो उससे भी अच्छी दोस्ती, पर मैं कुछ भी ना कहूँ और आप समझ जाएं वो है सच्ची दोस्ती। दोस्ती है एक अनोखा रिश्ता, दोस्ती है सबसे खास। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं जिसका सबको था बेसब्री से इंतजार। कैंडिडेट्स में जिसके लिए है तैयार, प्रस्तुत है ड्रामा में दोस्ती और प्यार। मम्मी मम्मी, ये दोस्ती क्या होती है? तुम अचानक दोस्ती के विषय में क्यों पूछ रहे हो? मुझे बस जानना है कि दोस्ती क्या होती है। दोस्ती दोस्ती, रुको मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इससे तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि दोस्ती क्या होती है। मम्मी मम्मी, मुझे जल्दी कहानी सुना दो, मुझे जानना है कि दोस्ती क्या होती है। सुनो, झाऊलाल और बिलवासी दो गहरे मित्र थे। दोनों अपनी गृहस्थी में बहुत मस्त थे। एक दिन की बात है। आजी सुनती हो, क्या बना रही हो रसोई में? भूख के मारे चूहों ने तहलका मचा रखा है पेट में। अजी अभी आई, ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और बादाम का हलवा तैयार कर रही थी। लाला जी सुनिए, वो मुझे 2.5 लाख रुपयों की जरूरत थी। 2.5 लाख रुपए किस लिए चाहिए? वो मुझे अपने लिए कंगन बनवाने थे। दो तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। दो तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा भी सुनुरानी, देखेगा तो खा जाएगा सौ सौ झटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा जरा सा जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मां। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। लाला जी डरिए मत, अगर आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से ले लूं। अजी हटो, 2.5 लाख रुपए के लिए अपने भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए थे। अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका मतलब 7 दिन से है या 7 वर्ष से? अजी आज से 7वें दिन मुझसे 2.5 लाख रुपए ले लेना। अच्छा ठीक है। 4 दिन बाद। 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। एक काम करता हूँ, अपने मित्र बिलवासी से बात करता हूँ। अरे आओ मित्र, बड़े दिनों बाद आए, और सुनाओ क्या हालचाल है? क्या बताऊँ मित्र, तुम तो जानते ही हो तुम्हारी भाभी को 2.5 लाख रुपए की मांग की है। मैंने भी रॉब में कह दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हें 2.5 लाख रुपए दे दूंगा, और आज 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। अरे चिंता मत करो मित्र, आखिर मुसीबत में मित्र साथ नहीं देगा तो कौन देगा? अभी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करता हूँ, और अगर मिल गए तो कल शाम को तुम्हारे मकान पे मिलता हूँ। अच्छा मित्र, तो अभी मैं चलता हूँ। ठीक है मित्र, कल मिलते हैं। अरे सुनती हो भगवान? जब से आई तब से सुनी तो रही हूँ, मैं कब बोलती हूँ? अरे 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 नहीं, अभी मुझे घर का सारा काम निपटाना है, फिर मुझे अपनी भतीजे की शादी में भी तो जाना है,
अच्छा सुनिए, मैंने अपने संदूक में 2.5 लाख रुपए रखे हैं। जरा संभल कर रहिएगा, चोरों का कोई भरोसा नहीं। घर सुना देखा नहीं, हाथ साफ कर देते हैं। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। ठीक है। अरे हरिया, जरा पानी तो लाना, प्यास के मारे गला सूख रहा है। ये लीजिए पानी, हरिया तो बाजार गया हुआ है। फिर इसी बेढंगे लोटे में पानी मिल गया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खैर अब पी ही लेता हूँ, क्या पता रात का भोजन बाल्टी में ना मिल जाए। ओह माय गॉड मैन, हू आर यू मैन? Moron, I got injured. Don't you have any sense? Kya hua? Kaise hua? Kab hua? Kyun hua? Jab hua? Tab hua? Oh, chhodo ye na socho. Are kya hua sahab? Kya hua? अरे सांप को चोट लग गई, अरे सांप को चोट लग गई। अरे नाश हो उसका, कोई ऊपर से लोटा फेंकता है, अगर सर पर लग जाता तो सांप का तो राम नाम सत्य ही हो जाता। What did you say? If lota giring on your head, फिर हो जाएंगे तुम्हारा डेड। अरे चलो चलो हटो, फालतू की भीड़ लगा के रखी है, यह तमाशा हो रहा है क्या? अरे साहब आपके पैर में चोट लग गई है, आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए। Thank you, man. Do you know this person? अरे नहीं, और मैं ऐसे व्यक्ति को जानना भी नहीं चाहता जो राज चलते पे लोटा का वार करता है। I think he is a dangerous lunatic. नहीं, मेरी समझ में तो he is a dangerous criminal. यदि ईश्वर ने झाऊलाल की आंखों को खाने की शक्ति दी होती तो आज वो अपनी आंखों से बिलवासी को खा ही जाता। Should I do? पुलिस स्टेशन में इस मामले को दर्ज करा दीजिए जिससे यह व्यक्ति फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? यहीं पास में ही है, चलिए मैं दिखाता हूँ। चलिए अभी चलता हूँ, मगर आपकी इजाजत हो तो पहले इस लोटे को इस व्यक्ति से खरीदना चाहता हूँ। क्यों भाई, बेचोगे? पूरे 25,000 देने को तैयार हूँ। सीरियसली तुम इस रद्दी से लोटे को 25,000 रुपीस में खरीदना चाहता है? जनाब आप इसे रद्दी बताते हैं, मैं तो आपको विद्वान समझता था। What's the matter? Please tell me. जनाब यह मुझे तो ऐतिहासिक लोटा लगता है। लगता क्या, पूरा विश्वास है कि यह एक अकबरी लोटा है। अकबरी लोटा, वो कैसे? जनाब यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, वह इसी से वजू करता था, फिर बाद में ये गुम हो गया। पता नहीं है इस व्यक्ति के पास कहाँ से आ गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका मॉडल भी बनाया है, म्यूजियम वालों को पता चलेगा तो फैंसी दामों में इसे ले जाएंगे। ओ, पर तुम इस लोटे का क्या खोएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। ओ, मुझे भी पुरानी और एंशियंट चीजों के कलेक्शन का शौक है। जब ये लोटा मेरे पाँव पे गिरा तब मैं दुकान से ओल्ड कॉपर स्टैचू खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वो ऐसे कैसे तुम खरीदेगा? ये लोटा मेरे पैर पे गिरा है या तुम्हारे? आपके। ये लोटे के पानी से मैंने नहाया या आपने? आपने। ये लोटे ने मेरे पैर का कचुम्बर बनाया है आपके? आपके। तो ये लोटा कौन खरीदेगा, मैं या आप? आप। नहीं नहीं ये सब छोड़िए, जो ज्यादा पैसे देगा वो लोटा ले जाएगा। ठीक है, आप 25,000 दे रहा था, मैं पूरे 50,000 देगा। मैं 1 लाख दूंगा। मैं 2 लाख देगा। मैं 2.5 लाख देता हूँ। मैं 5 लाख रुपीस देता है। जनाब मेरे पास तो 2.5 लाख रुपए ही थे, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। हाँ
मेजर डगलस के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस, ये कौन है? मेजर डगलस मेरे नेबर हैं। लास्ट ईयर वो इंडिया आया था और वो यहाँ से जहांगीरी अंडा खरीद के गया था। जहांगीरी अंडा, ये क्या होता है? जहांगीरी अंडा, तुम्हें पता होगा कि जहांगीर और नूर जहां की लव स्टोरी एक कबूतर ने करवाई थी। उस कबूतर ने एक अंडा दिया था जिसको जहांगीरी अंडा बोला जाता है। मेजर डगलस ने उसको एक जेंटलमैन से 3 लाख रुपीज में खरीदा था। बट उन्हें क्या लगता है कि सिर्फ वही है जो इंडिया से ऐसी एंशियंट, पुरानी और इतनी यूनिक चीज़ें लेकर जा सकते हैं। अब मेरे पास उनसे भी एक जनरेशन पुराना ये अकबरी लोटा है जिसको मैंने 5 लाख रुपीज में खरीदा है। अच्छा, तो ये बात है। इस नाते से तो यह लोटा उसका बाप हुआ। ये लो पूरे 5 लाख रुपीज और ये दो मेरा लोटा। मित्र, तुम 2.5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आए, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे थे ही नहीं। मित्र, ये ना पूछो, ये राज मेरे अलावा मेरा ईश्वर ही जानता है। बिलवासी जी, आपके जैसा मित्र भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। आज आपने मुझे 2 मुसीबतों से बचाया है। पहली तो उस अंग्रेज के कहर से मुझे बचाया है, दूसरी मुझे उस बेढंगे लोटे से मुक्त कराया है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मित्र, दोस्ती में उपकार कैसा। ए यार सुन, यारी तेरी